नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए 10 दिन के विदेश यात्रा पर अपनी टीम के साथ अमेरिका पहुंचे, जहां वह 8 दिनों तक अमेरिका में रहेंगे और 2 दिनों के लिए दक्षिण कोरिया भी जाएंगे। आज भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे सीरीज का दूसरा मैच कोलंबो में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार 2:30 खेला जाएगा। आगरा थाना के पास स्थित सरकारी आवास में रकाबगंज थाना प्रभारी इंस्पेक्टर की पत्नी, बेटी और अन्य स्वजन ने महिला इंस्पेक्टर को आवास से बाहर खींच लिया। इसके बाद उनके बीच जमकर हाथापाई भी हुई। वहीं यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए नई पहल की शुरुआत की है, जहां 15 अगस्त से दुग्ध डेयरी व्यवसाय या दुधारू पशुओं की इकाई स्थापित करने के लिए राज्य सरकार 2,00,000 रुपए युवाओं को देगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत आने वाले दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अत्याधुनिक इंडो यूरोलॉजिकल यूनिट की शुरुआत कर दी गई है। इससे किडनी की पथरी और प्रोस्टेट की बीमारी से पीड़ित मरीजों का अस्पताल में बिना किसी चीरफाड़ के फ्री में लेजर सर्जरी हो पाएगी। केंद्र सरकार द्वारा 2017 में बनाई गई मेंटल हेल्थ एक्ट के बावजूद मनोरोगियों के लिए ग्रुप होम की व्यवस्था न होने को लेकर दायर जनहित याचिका पर जवाब देने के लिए पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट से समय मांगा, जिसे देखते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 25 दिसंबर तक का समय दिया है। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान हरियाणा में पैसे और सिफारिश के बल पर मिलती थी नौकरियां, अब टैलेंट को मिल रहा है जॉब। उत्तराखंड में MBPG कॉलेज बना इसरो का नोडल केंद्र, शुरू होंगे यहां पर आउटरीच कोर्सेज। कोडरमा के बाद अब झारखंड के गोड्डा जननी सुरक्षा योजना में सामने आया फर्जीवाड़ा, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान में खुला पोल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला केशव राय पाटन क्षेत्र के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे यहां आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में शिरकत करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम का दूसरा दौर शुरू कर चुकी है, वहीं कांग्रेसी सांसद कुमारी शैलजा भी कांग्रेस संदेश यात्रा का दूसरा दौर शुरू करने वाली है। दूसरी ओर सत्ता में तीसरी बार वापसी करने की चाह रखने वाली बीजेपी भी कमर कस चुकी है, जहां हरियाणा बीजेपी ने भी अपनी चुनावी रणनीति को धार देने के लिए आज से बीजेपी हरियाणा में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। राजस्थान में राशन डीलर की हड़ताल के चलते राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को गेहूं नहीं मिल पा रहा है, जहां राशन डीलरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। आज हड़ताल का चौथा दिन है और सरकार की ओर से वार्ता के लिए कोई निमंत्रण नहीं मिला है, जिस कारण राशन डीलरों ने निर्णय लिया है कि 5 अगस्त को तहसील से लेकर उपखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। आज है हरियाली अमावस्या, जिसे श्रावणी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व होता है। हरियाली अमावस्या पर्व हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि उत्तर भारतीय राज्यों में काफी लोकप्रिय तरीके से मनाया जाता है। सुरों के सम्राट महान गायक किशोर कुमार का आज जन्मदिन है, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर कुमार के जन्मदिन को खंडवा का गौरव दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है, जिसे लेकर आज देश के विभिन्न राज्यों से किशोर कुमार के चाहने वाले खंडवा पहुंच रहे हैं। यहां उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। राजस्थान सरकार के भूजल मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने माना
कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है। उन्होंने आगे कहा कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार मेरे विभाग में है और मैं अब तक 40 अधिकारियों को सस्पेंड कर चुका हूं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हमारी सरकार को विगत लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा 11 सीटें चुका कर करनी पड़ी। पंजाब एंड सिंध बैंक अंचल नोएडा के आंचलिक प्रबंधक महेश सबरवाल के नेतृत्व में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ड्राइव के अंतर्गत अट्टा सेक्टर 18 में वाकाथन का आयोजन किया गया, जहां बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर चरण सिंह सहित बैंक स्टाफ सदस्यों ने 3 किलोमीटर लंबी पदयात्रा करते हुए छोटे बड़े सभी दुकानदारों, मॉल और व्यापारियों आदि से मुलाकात कर बैंक के सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आज जेटो नोएडा, जिसके अंतर्गत 47 ब्रांचेस शाखाएं आती है, इन्होंने डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ड्राइव, इसको हम वॉकेथन भी कह सकते हैं, इसका एक आयोजन किया गया है, जिसमें सभी नोएडा गाजियाबाद की शाखाएं, शाखा प्रमुख आए हैं। इसमें जो हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस से महाप्रबंधक और डिप्टी GMs भी इसमें शामिल हुए, हमारे बैंक के चेयरमैन डॉक्टर चरण सिंह जी भी वॉकाथन में हिस्सा लेंगे। इसके अंदर हम प्रमुखता से जो हमारे बैंक के जो नए स्कीम्स और प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि गौरव बचत अकाउंट जो हमने आर्मी परफॉर्मेंस के लिए लगाया है, शुभारंभ करंट अकाउंट जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनके लिए शुरू किया गया है, उड़ान स्कीम है जिसमें हम सैलरी अकाउंट्स लेते हैं और बीमा का बहुत ही उसमें अट्रैक्टिव जो है कॉम्पोनेंट्स है डिफरेंट, देन उसके बाद हमारे जितने भी ऋण की स्कीम्स है, होम लोन्स सबसे न्यूनतम हम उसमें 8.45 से शुरू कर रहे हैं, फिर हमारा जो व्हीकल लोन है दैट इज स्टार्ट्स एट 8.64 है, और जो हमारा गोल्ड लोन है उसको भी हम 8.85 से स्टार्ट करते हैं। शिमला के समेज घर में आई तबाही ने कई घरों को उजाड़ दिया, जहां राज्य लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और उनकी मां प्रतिभा सिंह ने समेज का दौरा किया, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू का दौरा किया और वहां पे लोगों से मुलाकात कर राहत बचाव का जायजा लिया। सेना के उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल MV सुरेंद्र कुमार और 16वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने राजौरी का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों, सेना और पुलिस के साथ बैठक कर क्षेत्र के हालत पर चर्चा की, साथ ही आतंकियों का जल्द से जल्द खात्मा करने की रणनीति पर बात की। विवादित IAS पूजा खेड़कर की मां महाराष्ट्र के यड़वरा जेल से हुई रिहा, किसान को धमकाने के आरोप में किया गया था गिरफ्तार। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट करके साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।